नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक ऐसी व्याधि जो किसी को भी हो जाती है तो बहुत तंग करती है, बहुत इरिटेट रहते हैं और बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत से लोगों को अक्सर हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंह में होने वाले छालों की। बहुत से लोगों को बार बार मुंह में छाले होते रहते हैं, एक बार वो मेडिसिन लेते हैं उससे ठीक हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा फिर उनको छाले हो जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप किसी भी व्यक्ति को जिनको बार बार मुंह में छाले होते हैं वो समस्या ना रहे। तो मुंह के छालों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि इसका कारण देखिए, किस कारण से मुंह में छाले होते हैं। सबसे मुख्य कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या रहना। कब्ज की समस्या की, कॉन्स्टिपेशन या विबंध की वजह से छाले बहुत होते हैं, या जिनको एसिड बहुत ज्यादा बनता है शरीर के अंदर तेजाब। बेसिकली जो बेसिक मुख्य कारण है मुंह में छाले होने का वो पित्त, वात पित्त का तीन दोष है, पित्त के बढ़ने से होता है। तो आपको जिनको मुंह में छाले होते हैं कब्ज बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर उनको कब्ज रहती है तो रात को सोते समय एक चम्मच त्रिफला चूर्ण जरूर लें। दूसरी बात, गर्म खट्टी चीजें ना खाएं जिनको मुंह में छाले बार बार रहते हैं। तो और क्या चीजें हैं, क्या उपाय हैं जिनको करने से मुंह के छालों का इलाज किया जाता है। ग्लिसरीन बहुत आसानी से मिल जाती है, ग्लिसरीन को आप लगाएंगे तो उससे बड़ा लाभ मिलता है मुंह के छालों में, जो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। एक नीला तोता का भी बहुत से लोग प्रयोग करते हैं, नीला तोता को भून के थोड़ा सा लगा देते हैं, लेकिन उसकी लार अंदर नहीं जानी चाहिए, वो बाहर ही जानी चाहिए। उससे भी इंस्टेंट एक टाइम लगाने से ही उसको भून के यदि हम लगाते हैं तो उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं छाले। लेकिन इन सब उपायों के बजाय आप बेस्ट रहेगा कि अपनी डाइट पे फोकस करें, गर्म खट्टी चीजें छोड़ के। क्या टमाटर बहुत लाभकारी रहते हैं, टमाटर का आप मुंह में कुल्ला करें बहुत अच्छे से चबा के। दूब का रस बहुत लाभकारी रहता है मुंह के छालों में, दूब का रस का सेवन किया जा सकता है। और शीशम के पत्ते वो भी बहुत लाभकारी रहते हैं, जिन किसी को गर्मी शरीर में ज्यादा रहती है या एसिड ज्यादा बनता है या मुंह में छाले बार बार बनते हैं, तो शीशम के पत्ते या टाली के पत्ते भी 5-10 पत्ते सुबह से हम खाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अगर जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली मुंह में छाले हो जाते हैं तो वो पित्तशामक औषधियां हैं, जैसे मैं उनको बता रहा हूँ आप उनको पेन डाउन कर लीजिए ताकि आपको जीवन में कभी भी मुंह के छालों से जूझना न पड़े। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोती पिस्ती 4 ग्राम, गिलोय सत 10 ग्राम, प्रवाल पिस्ती 10 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, इन सबको मिला के इनकी 40 पुड़िया बना के 1-1 पुड़िया सुबह शाम ले, लगभग 1 ग्राम के आसपास की डोज रहेगी वो सुबह शाम लेने से 2-3 दिन में आपके छाले सबसाइड कर जाएंगे। बार बार जिनको होते हैं तो टंकण भस्म भी इसमें ऐड कर लें, 5 ग्राम टंकण भस्म। तो मुंह के छालों के लिए ये इतने कारगर उपाय मैंने बताए हैं। और जो विशेष रूप से देखने वाली बात है कि जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन आती है मुंह के छालों में, कई बार बी कॉम्प्लेक्स का सेवन करते हैं। देखो, नेचुरल रूप से अच्छी चीज है, विटामिन B12 की कमी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हमारे शरीर में रहती है तो बी ये भी आप सेवन कर सकते हैं इसमें। लेकिन जितनी एलोपैथिक मेडिसिन आती है, ओरल सपोर्टिव वगैरह आती है लगाने के लिए लोकली, वो इंस्टेंट रिलीफ दे देती है, पेन से एकदम से रिलीफ दे देंगी। लेकिन परमानेंट क्योर के लिए आपको आयुर्वेद के शरण में जाना पड़ेगा, आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको गर्म खट्टी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा और आपको ऐसी औषधियों का सेवन करना पड़ेगा जो पित्त का शमन करती है। और विशेष रूप से जो कारगर मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने बोरेक्स या नीले थेते के प्रयोग के साथ साथ यदि आप जरूरी जो चीज है वो शीशम के पत्ते, दूब का रस और उसके साथ साथ नारियल पानी पिए और थोड़ा सा टमाटर का सूप या टमाटर को आप अच्छे से सेवन करें, उसका कुल्ला वगैरह करके फिर अंदर ले जाएं, तो ये जो बहुत सी जरूरी चीजें हैं जो मुंह के छाले में बड़ी कारगर रहती हैं और इनका आप प्रयोग जरूर कीजिएगा। आप सभी से प्रार्थना है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जो कारण है उनका निवारण करने के लिए आप हमसे भी मिल सकते हैं। कभी भी आपको समय लगे तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। नमस्ते।